सो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपनी हेयर कटिंग के लिए। कटिंग एग्जैक्टली इसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं पूरे अपने बाल छोटे नहीं करा रहा हूँ। मैं अपने हेयर ग्रो कर रहा था और करीब 10 महीने हो चुके हैं। मई में मैंने लास्ट कटिंग ली थी और अभी टाइम हो गया कटिंग लेने का, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब आपके बाल काफ़ी रफ होने लगते हैं, जब आपके जो एंड्स होते हैं बाल के वो स्प्लिट हो जाते हैं, थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में आपको कटिंग लेनी पड़ती है। सो अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कटिंग लेने के लिए और अपने बालों को ट्रिम कराऊंगा थोड़ा सा। तो चल के आपको दिखाता हूँ कैसे मैं हेयर ट्रिमिंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देता हूँ या क्या सजेशन लेता हूँ उनसे। एक बार चलते हैं अपने सैलून में और फिर शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। मेरे को हेयर ग्रो करना है तो उसके लिए कटिंग करनी थी, तो अभी क्या करना है मेरे को, यहाँ पे एक ये करना है, हाँ पोनी करनी है यहाँ पे और ये साइड से नॉर्मली रहेंगे और ये यहाँ पे हाँ ऐसे ही रहेंगे। बट ये थोड़े बहुत ज़्यादा वेवी है ना तो फैल जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सही करना है। तो लेंथ कम नहीं होगी, लेंथ डेंसिटी थोड़ी कम करनी है पीछे की, ऊपर की ज़्यादा डेंसिटी कम नहीं करनी है क्योंकि फिर बहुत लाइट लगेंगे। तो ये मतलब ये करना है कि पीछे से थोड़ा सा लाइट करना है और जो अगर स्प्लिट हो रहे होंगे कहीं तो वो चीज़ देख लेना, ट्रिम करना है। Oh baby I love